लोकसभा चुनाव भारतवर्ष का सबसे बड़ा उत्सव है। हमें विश्वास है कि आप सभी इस उत्सव में शामिल होंगे अपना कीमती वोट देकर। लेकिन इस साल ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर VVPAT लगाया गया है आपका विश्वास को बढ़ाने के लिए कि आपका वोट आपका पसंदीदा उम्मीदवारों को मिला है कि नहीं। और इस साल 10 करोड़ से भी ज़्यादा नया वोटर इस लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उन लोगों को भी वोटिंग का पूरा प्रोसेस जान लेना है क्योंकि बाद में जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपका जिस दिन वोट है आपके एरिया में, उस दिन सबसे सुबह उठकर आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। आपका जब लाइन का नंबर आएगा तो आपका निर्धारित वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड या जो निर्धारित डॉक्यूमेंट्स है वो देखा कर, मतलब जो गेट में सिक्योरिटी रहेगा उसको देखा कर अंदर प्रवेश करना है। जब पोलिंग स्टेशन के अंदर आप जब पहुँच जाएंगे तो आपको 3 पोलिंग ऑफिसर, फर्स्ट पोलिंग ऑफिसर, सेकेंड पोलिंग ऑफिसर, थर्ड पोलिंग ऑफिसर, कुछ पोलिंग एजेंट जो कुछ पार्टी से रिलेटेड है वो रहेंगे और एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर रहेगा। तो सबसे पहले आपको फास्ट पोलिंग ऑफिसर को आपका जो निर्धारित वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड है वो देना है। वो चेक करेगा कि आपका जो वोटिंग लिस्ट है वहाँ पर आपका नेम है कि नहीं है। जब उसका आपका नेम मिल जाएगा तो आपका जो सीरियल नंबर और पार्ट नंबर सभी को बताएगा। तो उसके बताने के जब बताएगा तब सेकेंड पोलिंग ऑफिसर वहाँ पर मार्क करेगा कि हाँ आपका नेम यहाँ पर है और आपका वोटिंग के लिए आप आए हैं। उसके बाद आपको साइन करने बोलेगा, जो आपका नाम रहेगा उसके साइड में आप साइन भी कर सकते हैं, आप जो थाम है वो भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो अंगूठा है, अंगूठा में आपका इंक लगाया जाएगा। उसके बाद जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो वोटिंग के लिए आपको रेडी कर देगा, आपका जो वहाँ पर बटन है बटन दबा कर। इसके बाद आप वोटिंग के लिए मतलब तैयार है, आप वोटिंग दे सकते हैं। उसके बाद आपका जो वोटिंग का बॉक्स रहेगा अंदर में, उस बॉक्स के अंदर आपको जाना है। उस बॉक्स के अंदर आप जब जाएंगे तो आपको दो चीज़ मिलेगा वहाँ पर, एक वोटिंग मशीन मिलेगा और दूसरा जो मिलेगा आपका VVPAT, अगर है आपका स्टेशन में तो VVPAT मिलेगा क्योंकि ज़्यादातर स्टेशन में VVPAT लाया गया है। तो वहाँ पे जो वोटिंग मशीन रहेगा, वोटिंग मशीन में आपका जो मतलब लेफ्ट साइड में मतलब बाएं तरफ आपका पूरा आप वहाँ पर जो उम्मीदवार है, उम्मीदवार का सबसे पहले नाम रहेगा, नाम के बगल में वहाँ का जो मतलब उम्मीदवार का जो पार्टी का साइन है वो साइन रहेगा। और ठीक उम्मीदवार का साइड में आपका एक लाइट रहेगा, रेड कलर का लाइट, और उसके साइड में एक बटन रहेगा। आपको उस जो उम्मीदवार को साइड में जो ही बटन है उसको प्रेस करके आपका जो पसंदीदा उम्मीदवार है उसको चुनना है। मतलब जब भी आप उस मतलब सेम लाइन में जो स्विच रहेगा उस स्विच को प्रेस करेंगे तो रेड कलर का लाइट जल उठेगा और एक बीप साउंड सुनाई देगा। यहाँ पर आपको जान लेना है कि जो स्विच रहता है, हम जो जनरली स्विच यूज़ करते हैं वो थोड़ा ऊँचा रहता है लेकिन ये स्विच थोड़ा डाउन रहता है। तो जब भी आप स्विच प्रेस करेंगे तो रेड कलर का साइन लाइट जलेगा उम्मीदवारों को साइड में जो है आपका पसंदीदा, और एक बीप साउंड सुनाई देगा। और उसी सेम टाइम में VVPAT से एक पर्ची निकलेगा और पर्ची लट मतलब 7 सेकंड तक लटके हुए रहेगा। जो आप ट्रांसपेरेंट खिड़की है वहां से आप देख पाएंगे कि आपका जो पसंदीदा जो मतलब जो स्विच प्रेस किया है पसंदीदा उम्मीदवार का, उसका पर्ची में सीरियल नंबर, नाम और जो चुनाव चिन्ह है वो मेंशन है कि नहीं है। वो 7 सेकंड तक लटके हुए रहेगा, उसके बाद अंदर बॉक्स में गिर जाएगा। तो 7 सेकंड जो है वो वहीं पर आप खड़ा रहना है कि दूसरा उस टाइम कोई ना आ जाए और आपका जिसको वोट दिया है वो ना देख पाए। तो 7 सेकंड के बाद जब चुनाव खत्म हो जाएगा तब आप वहां से मतलब बूथ छोड़ सकते हैं और बाहर जा सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आप सभी इस वोटिंग सिस्टम में पार्टिसिपेंट लेके, लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेंट लेके देश को एक नया रास्ता दिखाएंगे, हमें यही उम्मीद है। तो इस तरह का वीडियो के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है वह दबा कर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साइड में जो बेल का बटन है वो भी दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।